स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह का 200वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर शहर के तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने राजा नाहर सिंह महल पहुंचकर हवन यज्ञ में हिस्सा लिया और आहुतियां डालकर उन्हें याद किया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने अपनी वीरता से अंग्रेज शासकों के छक्के छुड़ा दिए थे। तभी अंग्रेज शासकों ने चाल चलते हुए राजा नाहर सिंह को संधि के बहाने दिल्ली बुलाया और उन्हें गिरफ्तार कर चांदनी चौक में फांसी पर लटका दिया था। आज 6 अप्रैल को शहीद बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह का 200वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से हवन यज्ञ करके मनाया गया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद के बड़े भाई टीपरचंद शर्मा ने बताया कि बल्लभगढ़ के शहीद राजा नाहर सिंह का आज 200वां जन्म दिवस हवन यज्ञ करके मनाया गया है और वह चाहते हैं कि राजा नाहर सिंह का नाम हमेशा अमर रहे और हम उनके नाम पर अच्छे अच्छे काम करते रहे। वहीं राष्ट्रीय जाट एकता मंच के अध्यक्ष संदीप बहादुरपुर ने कहा कि बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में हरियाणा टूरिज्म का पोर्टल चल रहा है जिसमें अवैध गतिविधियां होती रहती हैं। अब इस होटल को बंद करवाने के लिए वह सरकार को ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि शहीद राजा नाहर सिंह की कुर्बानियों को याद रखते हुए उनकी एक मूर्ति की स्थापना बल्लभगढ़ शहर में की जाए। आज राजा नाहर सिंह महल पहुंचे हो, क्या खास कार्यक्रम? आज जैसे ही हमारे महान नेता का जन्मदिन है, 200 साल पूरे हुए हमारे बल्लभगढ़ की विरासत राजा नाहर सिंह की, उनके जीवन पे प्रकाश डाला जाए तो उन्होंने बहुत कुर्बानियां की और उनकी वजह से आज बल्लभगढ़ जिला है। देश में राजा नाहर सिंह का नाम शहीदों में लिया जाता है, लिया जाता रहेगा। हम चाहते हैं राजा नाहर सिंह के नाम को हम बहुत जिंदा रखें, उनके नाम की बहुत अच्छे अच्छे काम करें। नाम आपका जी? मैं राष्ट्रीय जाट एकता मंच जिला अध्यक्ष संदीप बातर को। आज क्या खास कार्यक्रम रखा गया? आज हमने राजा जी का 22वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने यहाँ हवन किया है और हम रूटीन में हर साल करते आ रहे हैं और आज हमने एक डिमांड भी रखी है कि भाई महल के अंदर जो ये होटल जो चल रहे हैं ये बंद हों और राजा जी का एक भव्य मूर्ति बनाई जाए और जिससे कि राजा जी का बहुत जिसके नाम से बल्लभगढ़ को जाना जाता है उनकी मूर्ति लगाकर उनके नाम को और भी ज़्यादा वो किया जाए। अच्छा, क्या कुछ अपील भी करना चाहोगे? हाँ, मैं हमने सरकार से भी की है, ज्ञापन भी देंगे और हमने उनको कहा है कि भाई हमारे यहाँ पहले भी हमने काफ़ी टाइम से यहाँ धरने दिए, भूख हड़ताल करी जिससे ये इसको बार को बंद कराया और बार के साथ हम इस होटल को भी बंद कराना चाहते हैं और जो इसमें गलत गतिविधियाँ होती हैं, जो रूम रेंट पे दिए जाते हैं, इनको भी बंद किया जाए। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।